जब सामान्य इंस्पेक्शन करने के लिए जा रहा था मैं, तब तक उनके प्रतिनिधि का फोन आया ललित शर्मा जी का। उन्होंने कहा विधायक जी बात करेंगे। मैंने कहा ठीक है दे दीजिए। विधायक जी से बात हुई और उसके बाद उन्होंने कहा कि सलाम होटल क्यों नहीं बंद करा दे रहे हैं आप। मैंने कहा कि वो नियमों के दायरे में ठीक है, इसलिए उसको बंद नहीं कराया जा सकता। आप किसी अन्य अथॉरिटी से आप संपर्क करके आप चाहें तो बंद करा दें। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि ठीक है कोई कमी निकालिए आप हड्डी के निस्तारण के लिए। हमने कहा हड्डी के निस्तारण की कोई जरूरत नहीं है उसमें। फिर मैंने कहा आप कहाँ हैं? उन्होंने बोला कि मैं कार्यालय पे हूँ। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही कहा कि ठीक है सर चलिए मैं आ रहा हूँ, आपको मैं समझा देता हूँ। मैं गया कार्यालय पे, उन्होंने अपने ऑफिस में बुलाया, सबको हटा दिया। हटाने के बाद जब मैं बैठ गया कुर्सी पे, मैंने कहा सर ये नियम है सर, ये मैं अपने एक्ट में जो है कहे कि और दुकानें क्यों चल रही हैं, क्यों लाइसेंस जारी हो रहे हैं। मैंने कहा प्रिपेयर्ड फूड का लाइसेंस सर जारी होगा, मेरे पोर्टल पे आएगा तो मैं उसको रोक नहीं पाऊंगा क्योंकि उसने फीस दिया है और जारी होगा। और बाकी कच्चे मांस का मैंने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, कोई नहीं मतलब मैं दे रहा हूँ। तो बोले ठीक है यहाँ मेरी सरकार चलती है, यहाँ मेरा नियम चलेगा, तुम्हारा एक नहीं चलेगा। और उठकर मुझे झापड़ मारा और उसके बाद उन्होंने सबको बुला करके सबसे कहा कि सब पीटो इसको कायदे से, मारो इसको, पूरा की तरफ चला जाइए। अभी फिर क्या कार्रवाई आप चाह रहे हैं सर, कहां पर आप इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाह रहे हैं? अच्छा, तो सभी अधिकारी आपके आपके साथ हैं? सभी हाँ सभी अधिकारी मेरे साथ हैं। तो इस दौरान आपके साथ घटना हुई, और भी लोग आपके साथ थे? और भी लोग नहीं थे, मेरा ड्राइवर था उसका भी फोन छीन लिया गया था सर। और भी किसी ने कहा गोली मार दूंगा, उंगली में चोट लगी है मुझे, उनके प्रतिनिधि ने लात से मारा था। वही आपका मोबाइल भी दिखाएंगे? कहा था कि गोली मार दूंगा। मोबाइल आपको? मोबाइल ही है। उन्होंने कहा जो करना हो कर लेना। कैमरे लाइव में